मिस्टर अर्जुन, आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी? कब से आपका वेट कर रहे हैं? अर्जुन, वकील साहब, मैं जिन लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ना, मैं उन लोगों के लिए 1% भी रिस्क लेना पसंद नहीं करता हूँ। और अंजलि उन लोगों में से एक है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे मैनेजर बस आते ही होंगे, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि मैं फुटेज कलेक्ट कर रहा था। सर, लो, तुम तो आ गए, प्लीज फुटेज उन्हें दे दो। और तुम मेरे लिए काम करती हो, तो ये मत समझना कि तुम्हें मैं वेकेशन मनाने के लिए दूंगा यहाँ पर। नो, तुम्हें मेरे साथ डे इन एंड डे आउट काम करना होगा और रोज मुझे झेलना होगा, तो मैं यहाँ पे तुम्हें छुट्टी बनाने तो नहीं दूंगा। दिल से झेलूंगी, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, सारी जिंदगी झेलूंगी तुम्हें। थैंक यू। तो पहुंच गए तुम यहां, कोई झूठा प्रूफ लेकर इस लड़की को यहां से निकलवाने? पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, आप इस लड़की को मत छोड़िएगा। इसने जानबूझकर मेरे पति की जान लेने की कोशिश की है। ये तुम इंटेलिजेंट होने का बस नाटक करती हो ना, अकल का तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, है ना? एक्सक्यूज मी, अपनी हद में रहो और मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हद में ही हूँ और तुम्हारे केस में तो मैं अपनी हद कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऋषभ को अवार्ड जीतने दूंगा। नेवर। आप सुन रहे हैं, ऋषभ जी मेरे पति हैं, उन्हें जीतने नहीं देंगे। इसका मतलब ये सब कुछ तुमने एक अवार्ड के लिए किया? कितने घटिया लोग हैं ये। एक अवार्ड के पीछे मेरे पति की जान लेने की कोशिश की और अभी आपके सामने बोले कि उसे जीतने नहीं देंगे। I don't believe this. कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम लोग मिलकर इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। ये क्या, आपने इसे छोड़ दिया? मिसेस लूथरा, इन्हें बेल मिल गई। बेल मिल गई? एक क्रिमिनल को कैसे बेल मिल सकती है? Excuse me. ये कोई क्रिमिनल नहीं है, इसकी बेगुनाही का सबूत मैंने इंस्पेक्टर साहब को दिया है। अगर मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं भी मिलती ना, तो पाताल से भी लेकर आता और अंजलि को यहाँ से बाहर निकालता। तो तुम अपने झूठे प्रूफ के साथ उस लड़की को बचाना चाहते हो जिसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की? यकीन नहीं आता, एक मेरा परिवार है जो तुम्हें क्या समझता था और एक तुम हो जो क्या निकले।